क्रिस गेल का इम्पोर्टेंस कितना है, अब देखिए हम लोग को बैठ के ऐसे ही लग रहा है कि अब जितना भी वो रन बना ले ऑपोजिशन, ये बैटिंग ऑर्डर से हम चेस कर लेंगे। तो सब कुछ अब इट्स कमिंग इनटू एक एक जगह पे आ रहा है जहां से अब ये लोग ऑल आउट जा सकते हैं। और मैं ये टीम ऐसी है टॉप जो भी है एक दो पे, उनको हराने वाली क्षमता है इनमें। बिल्कुल सही कहा, हर हर साल एक टीम ऐसी होती है जो दूसरे थोड़ा बहुत डरते खेलने से, क्योंकि पता नहीं ये कौन से दिन क्या करेगी। तो आज ये वक्त आया है कि ये आप बैटिंग लाइनअप देखिए, आप कहेंगे कि इनके खिलाफ अगर मैं पहले बल्लेबाजी करूं तो मुझे भाई पौने 200 रन तो बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप में अगर दो तीन भी क्लिक हो गए तो वो बन जाएंगे उनके। एक अगर वीकनेस है उनमें तो शायद एक हाथ बॉलर और चाहिए उन्हें, लेकिन शमी साहब तो एक अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं आजकल, तो उनके होने से थोड़ा फर्क पड़ रहा है वहां पे। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करें 200 तो चाहिए भाई इस टीम के खिलाफ, 200 नहीं तो आई मीन डिपेंड ऑन द ट्रैक, लेकिन 180-200 तो चाहिए। मनोज आपको फिर से एक बार इनका शेड्यूल अब दिखा देते हैं सर, क्योंकि बोलने में जो मजा आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब ये मस्ट विन वाला मामला शुरू हुआ है और मस्ट विन वाले मामले के बाद उन्होंने पहले हराया मुंबई को, उसके बाद हराया बैंगलोर को, नो पहले बैंगलोर, उसके बाद आपने हराया मुंबई को, अब हराया दिल्ली को। अब आप देखिए सर, चार मुकाबले जो हैं, चार के चार प्लेयर्स हैं वो जो ऑफकोर्स एक जो प्लेऑफ के रेस में है नहीं चेन्नई, वो आखिर मुकाबला है, लेकिन ये तीन जो मुकाबले हैं सर, अब प्लेऑफ इज विद इन आई डोंट से टचिंग डिस्टेंस, लेकिन गाड़ी अब पकड़ रही है सर, गियर पकड़ ली है ऑलरेडी, अब सिर्फ उड़ने की देरी है। अगर इस तरह खेलते रहे और अपना विकेट नहीं थ्रो करें, जैसे आज हुडा भी लास्ट में ऑब्वियसली नॉट आउट गए, लेकिन एक उभरते खिलाड़ी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग यही देखना चाहते हैं जो इंडियन बैट्समैन है वो मैच कैसे जिताता है। हमेशा देखते हैं ओवरसीज प्लेयर्स बड़े इनिंग्स खेल के मैच जिताते हैं, लेकिन अगर वो मैच मतलब इस तरह के शॉर्ट क्रूशल मोमेंट पे, आज चलिए कैच मिस हो गया, सपोज नहीं मिस होता तो इस तरह की गलतियां ना करें। और बॉलिंग में अगर किंग्स 11 अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करे तो इतने रन भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज आप देखें बहुत सारे चौके गए, शॉर्ट बॉल किया गया था, फाइन लेग ऊपर था। तो ये थोड़ी सी चीज अगर असेंबल करके सही से किया जाए ना एग्जीक्यूशन, तो कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं उसको, डार्क हॉर्स आराम से बाकी सब लड़ते रहेंगे, ये कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा ऊपर।